हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 81 से देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा एंड करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 81। याद रखना, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा एंड आप लोगों को पता है आप क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो 2017-18-19 तक के आने वाले हैं। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 61 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, दी गई आकृति में BD केंद्र O से गुजरती है। ठीक है, जो डायग्राम दिया हुआ वो बना लेते हैं। पहले डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है हमारे पास, एक गोला सा बना दो एंड उसके अंदर एक टेढ़ी सी लाइन इस टाइप से एंड एक जस्ट लाइक अ नोज, कार्टून की नोज होती है ना, कार्टून देखे होंगे आप लोगों ने, जस्ट इसी तरीके से एक नोज एंड इस तरीके से मिला दो। ठीक है, जैसा बोल रहे बस वैसा करना है और कुछ नहीं, अपने दिमाग से कुछ नहीं करना क्योंकि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, सीधी सी बात है। ओ एंड डी जैसा क्वेश्चन बोले बस वैसा करना, ये मत सोचना आप उसी हारो। ठीक है, क्वेश्चन वाला ज़्यादा उसी हारे, उसी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं तभी हम मंजिल तक पहुँच पाएंगे। चलो, AB बराबर 12 है। ओके, आगे देखिएगा, AC बराबर 8, या 8 हो गया। ठीक है, ये और दे दे तो अपना काम आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। भाई, त्रिज्या निकालने के लिए मुझे चाहिए यहां से लेके यहां तक का व्यास, और अगर व्यास अगर मिल जाएगा तो व्यास का कर देंगे आधा, और आधा कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन व्यास कैसे मिलेगा भाई, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो डायग्राम में, ध्यान से दिख रहा है ना डायग्राम में, 90 डिग्री। ओके, ये 12 दिया हुआ, ये 8 दिया हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, जब एक तो मेरे पास क्या है, ये टेंजेंट है, एक कॉर्ड को अगर मैं अंदर से, छेदक रेखा भी बोलते हैं इसे, छेद करती है ना ये इसमें सर्कल में, तो यहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, एक टेंजेंट का मतलब जो टेंजेंट डालते हैं हम, उसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के, मतलब ए से लेके डी तक का मल्टीप्लाई एंड 8 का मल्टीप्लाई। तो इसे मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, इस वाले टुकड़े को बस। ठीक है, एक्स मानना है और कुछ नहीं मानना, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। 12 × 12 कर लेंगे, 12 × 12 कर लेंगे, बराबर कर लेंगे 8 तो ये हो गया। एक पूरी वाली और ले लो, पूरी मतलब दावत वाली पूरी नहीं, ये वाली कंप्लीट। ठीक है, ए से लेके डी तक। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 + x। ठीक है, कंप्लीट अगर लोगे तो 8 + x करनी पड़ेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 8 × 4 = 2 4 × 3 = 2 6 × 6 = 18 18 = 8 प्लस एक्स। एक काम करो, 8 अच्छा नहीं लग रहा, इधर भेज दो तो x = आ जाएगा यहाँ से 10। वाओ, x की वैल्यू निकल के आ गई 10। तो मैं यहाँ पे इस x को हटा देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ भाई, 10। एक बात बताओ, पूरी कंप्लीट d से लेके a तक कितनी होगी, 18 हो गई ना। ये मिल गई, ये मिल गई, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाई BD बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, BD = क्या हो जाएगा भाई, 18 का स्क्वायर 324, आप लोगों को पता होना चाहिए, रूट के अंदर ले लो 324 माइनस, माइनस क्यों करो, क्योंकि भाई ये कर्ड है, कर्ड क्या मतलब हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने, इसमें से माइनस कर दो इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, कम से कम स्क्वायर तो याद कर ही लो यार। ठीक है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BD = हो जाएगा रूट के अंदर कितना, माइनस करो भाई, 4 में से 4 गए तो 0 बचे, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, 2 में से 1 गए तो 1 बचो। BD बराबर रूट के अंदर 180। अब 180 को हमें भाई तोड़ना तो पड़ेगा भाई, तोड़ लेते, एक काम करते, 9 × 2 = 18, हम लोगों ने ये बचपन से पढ़ा है, 9 × 2 = 18, 2 मतलब 20, तो यहाँ पे हम बोल सकते 20 को क्या लिख सकते, 4 × 5 = 20, ये हो गया 20, 9 × 2 = 18 मतलब 180 हो गया। ठीक है भाई, 9 बाहर आ सकता है, 3 निकल आएगा, 4 से बाहर 2 आ जाएगा, 3 × 2 = 6, या फिर बोल सकते हो कि 9 × 4 = 36, 36 का बाहर 6, तो BD = कितना आ गया, BD = हमारा आ गया 6, तो बाहर आ गया, बचा बेचारा अंदर 5 √5। ये क्या है भाई, BD = 6√5, BD वो वाली BD नहीं, ये वाली BD। ठीक है, BD = दिया हुआ है 6√5, तो एक बात बताओ हमसे पूछे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके, सिर्फ इतनी बात कर लो। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6√5 है डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे 3 बार तो कितना आ जाएगा, 3√5, 3√5 हमारा राइट आंसर होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, छाप लीजिएगा एंड दिमाग में भी छाप लेना, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो 3√5 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। तो देखो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है सब हवा हवा में हो जाए,
ठीक है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलते क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। ठीक है, 82 क्या बोल रहा है ध्यान से सबसे पहले पढ़िएगा भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 82। ओके, बाकी तो हो चुके हैं ना 82। देखते 82 में दी गई आकृति, एक आकृति बना दी गई, एक गोला सा बना लो भाई, जैसा बोला वैसा बना लो। ठीक है, एक गोला में हेलीकॉप्टर सा बना दो इस टाइप से, एक इसका सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है, एंड यहाँ से इस हेलीकॉप्टर को मिला दो भाई, जब भी तो हेलीकॉप्टर लगेगा इस टाइप से, एंड बीच में एक पंखड़ी, अब लग रहा है ना एरोप्लेन। चलो बैठ के चलते हैं ना फिर। पी क्यू आर, यहाँ पे पी नाम दे दिया, ये क्यू नाम दे दिया, ये आर नाम दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़िएगा, दी गई आकृति, दे दी भाई आकृति, ओ केंद्र है, ओ केंद्र है, ठीक है, पी क्यू ओ 30 डिग्री, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ मतलब ये वाला एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, बहुत सही। एक बात बताओ यार, ये वाली लाइन इसके बराबर, ये तीनों बराबर है, पहले ही कर देते हैं भाई, क्योंकि हिसाब से बनेगा ना, नहीं तो उड़ेगा नहीं ना हमारा एरोप्लेन। चलो एंगल क्यू आर ओ बराबर 45, क्यू आर ओ मतलब ये वाला एंगल दे रखा है 45 डिग्री। एक बात बताओ, जब इसके सामने वाला 45 तो इसके सामने वाला भी 45 होगा, सीधी सी बात है, दोनों भुजा बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला, तो क्वेश्चन ने बोला पी ओ आर, पी ओ आर मतलब ये वाला एंगल पूछा है हमसे, बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक बात बताओ, यहाँ पे परती पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का भाई, 30 और 45 प्लस तो कर ही लोगे ना, 75 हो जाएगा। जब ये 75 का बन रहा है तो सेंटर पर कितने का बनेगा, 150 का बनेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 150 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताओ इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था ना, 2017 में पूछा गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते, ध्यान से देखिएगा भाई। ठीक है, और कॉपी और पेन निकाल लो जल्दी से, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो यार। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है देखिएगा। 83 ने हमसे बोला है एक चौथाई व्रत, एक चौथाई मतलब एक व्रत लो उसके चार टुकड़े कर दो भाई मार मार के, तो मैंने चार टुकड़ों में से एक टुकड़ा निकाल लिया भाई, या पहले मारते हैं ना, पहले व्रत बनाते हैं, एक व्रत है मेरे पास, इसके चार टुकड़े कर दिए मैंने मार मार के, और एक टुकड़े को बाहर निकाला और ये टुकड़ा हमने जूम कर लिया, जैसे करते हैं ना कैमरे में जूम, वैसे ही हमने ये जूम कर लिया भाई। ठीक है, समझ गए ना, एक चौथाई होगा तो ये 90 डिग्री का होगा, यहाँ पर ये समकोण बनेगा, याद रखना। ओके, आगे क्या बोल रहा क्वेश्चन वो देखिएगा। क्वेश्चन बोला इस प्रकार बनाया गया कि उसकी त्रिज्या पर दो शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर है, मतलब दो पॉइंट है इस केंद्र से, ये केंद्र ओ ले लो, इस केंद्र से समान दूरी पर, मान लो कि ये समान है, ये समान है, मैंने ये नहीं बोला कि आधा आधा, आधा नहीं है भाई, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों समान है, दो शीर्ष हैं, दो पॉइंट हैं, मैंने लिख दिया। आगे देखो, तथा अन्य शीर्ष, अन्य दो शीर्ष हैं जो कि परिधि पर स्थित हैं, परिधि पर मतलब यूं करके, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट एंड एक पॉइंट, समझ गए, ये परिधि पर बना दिया मैंने। आगे देखो, यदि वर्ग, इसका मतलब ये चारों मिल रहे होंगे और एक वर्ग बन रहा होगा, वर्ग की बात हो रही है, थोड़ा सा अच्छा सा बना दूँ ना, ठीक है, एंड यहाँ से इस टाइप से, एंड ये इस टाइप से, ये इस टाइप से दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा वर्क सा लग रहा हो, हल्का बहुत दिख जाए वर्क की तरह तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो समझ लो यार वर्गीय है, स्क्वायर है। आगे देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि यदि वर्ग की भुजा हमें दे रखी है, वर्ग की भुजा का मतलब ये दे रखी है कितनी, रूट के अंदर 5π2, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या, वाओ वृत्त की त्रिज्या कहां से निकालेंगे भाई, एक काम कर सकते हैं, वो क्या, वर्ग की भुजा पता है तो वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हो भाई, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 होता है, भुजा का √2, तो इसमें मैं √2 का मल्टीप्लाई कर दूं, √2 को देखो, इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहीं पे चोंच खत्म कर दो इसकी, और नीचे एक दूसरी चोंच दे दो, दोनों को अलग अलग टोपी पहना दिया और कुछ नहीं, एंड मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं इसमें √2 का, क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे हैं विकर्ण, भुजा थी √5/√2,
विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, ए रूट टू होता है, क्या होता है हमारा, ए रूट टू होता है, लिख देता हूँ, ए की जगह पे मैंने भुजा रख ली, रूट टू का रूट टू हो गया, तो रूट टू से रूट टू कट गया, तो विकर्ण कितना हो गया भाई, रूट फाइव हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ से लेके इस पॉइंट को अगर मैं निकालूँ तो वो हमारी रेडियस ही कहलाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ये तो हमें पता है भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी सही पहचाने, तो ये हो जाएगा मेरा रूट फाइव बाई रूट टू, भाई यही तो वर्क की बुझाई तो है, कुछ और तो नहीं, चारों साइड बराबर होंगी, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये इसके बराबर, रूट फाइव बाई रूट टू होगा, ठीक है। एक बात बताओ, ये 90 डिग्री का एंगल है, क्या बना रहा हूँ मैं, ये दोनों बराबर हैं, मान लो ये ए है, ये ए है, ये क्या हो जाएगा भाई, ए रूट टू हो जाएगा, ठीक है। अब ये ए रूट टू है, अब यहाँ पर मत लगा देना कि सर ये भी ए रूट टू है, ठीक है, ए रूट टू है ये, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, हमें पहुँचना है ये वाली वैल्यू, हमें इन तीनों में से कौन सी वैल्यू पता है, ये वाली पता है, अगर इससे मुझे वापस जाना है तो एक काम करो, किससे डिवाइड दे दो, रूट टू से डिवाइड दे दो, रूट टू से डिवाइड दूंगा तो मेरा ए बन जाता है, मतलब ये वाली भुजा निकल आएगी दोनों, और दोनों बराबर हैं ये, तो हम इसे रूट टू से डिवाइड अगर मैं करूँगा, रूट फाइव डिवाइडेड बाई रूट टू एंड रूट टू से ही डिवाइड कर दूंगा, तो रूट टू कितना हो जाएगा, टू बना देगा नीचे, तो हमारी ये भुजा निकल के आ जाएगी रूट फाइव बाई टू, कितनी, रूट फाइव बाई टू आएगी, याद रखना, मैं इसे रफ कर दूँ ना, दिमाग में सेव कर लिया करो अपने में, इतनी सारी मेमोरी कब इस्तेमाल करोगे बताओ, अभी इस्तेमाल करो ना, चलो तो ये कितनी हो जाएगी, रूट फाइव बाई टू। अब एक बात बताओ जी, ये मिल गई मुझे, ये भी मिल गई, इसे हटा दो भुजा को, इसका कोई काम नहीं है, अब भगा दो यहाँ से, ठीक है। अब मुझे निकालनी है भाई त्रिज्या, अब त्रिज्या निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो भाई, सिंपल सी, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, क्या आप इसे निकाल सकते हो भाई, त्रिज्या तो भाई ये भी त्रिज्या, 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 सारी त्रिज्या ही है ना, कुछ और तो है नहीं है भाई, सारी त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, ठीक है। चलो तो इसे निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसे निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा, ठीक है भाई, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे जब हाइपोटेनस बन जाएगी, तो ये इसका नाम दे दो ओ ए, क्या नाम है, इसका नाम तो ओ है, इसका नाम ए है, तो ओ ए, ओ ए है, ओ ए बराबर हो जाएगा रूट के अंदर, छतरी के अंदर रूट फाइव बाई टू का होल स्क्वायर प्लस कर लेंगे रूट फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम, रूट फाइव का स्क्वायर भाई पाँच हो जाएगा, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, प्लस रूट फाइव का स्क्वायर भाई पाँच हो जाएगा, देखो चार पंजे बीस, बीस और पाँच पच्चीस, पच्चीस बट्टे चार, अभी रूट के अंदर है, छतरी के नीचे है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, छतरी से बाहर निकालेंगे तो पाँच बट्टे दो, दो से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ढाई, मतलब 2.5 है, बस यही तो हमसे पूछा है कि त्रिज्या क्या होगी, तो 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, नोट कर लीजिए। बताओ इसमें क्या था, कुछ नहीं था, हमें पहले विकर्ण निकाला, विकर्ण निकालने के बाद में इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि हमें ये निकालनी थी, समझ गए, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर, देखते हैं क्या दिया हुआ है और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है वो भी सीखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है भाई, इसमें डायग्राम भाईग्राम तो दिया नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है जी, ठीक है, एक वृत्त में दो जीवाएं, जीवाएं है ना 20 और 24 सेंटीमीटर वाली, दो जीवाएं एक दूसरे पर लंबवत खींचती हैं, ठीक है भाई, जैसा बोल रहा वैसा कर लेते हैं, हमारा क्या जाता है, एक वृत्त है मेरे पास इस टाइप से, बड़ा सा, छोटा वाला वृत्त नहीं, बड़ा, इस बड़े वृत्त में त्रिज्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं अभी सेंटर पॉइंट ओ, ठीक है, बाद में चाहे तो इसे चेंज कर लेंगे,
कोई दिक्कत नहीं, 20 और 24 जो कि 90 डिग्री पर काट रही है भाई। मान लो यहाँ से लेके एक जीवा ये है, मान लो दूसरी जीवा ये है, ये काट रही है 90 डिग्री पे। कितने पे काटती हैं? समकोण पे काटती है, 90 डिग्री पर काट रही हैं। आगे देखो, 20 और 24 है, दो जीवाएं एक दूसरे पर लंबवत खींची जाती हैं, ठीक है। वृत्त के केंद्र तथा जीवाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की दूरी क्या है? वाह भाई वाह, मतलब ये दूरी हमसे पूछ ली गई है। बताओ, इसने नाम देना, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन भूल गया, इसे नाम देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से दे देते, नामकरण कर देते, ए बी सी एंड डी, इसको भी दे दो ई, समझ गए, सबके नाम हो गए। अब हमसे पूछा गया है कि ई ओ की लंबाई क्या होगी। अब ई ओ को निकालना है भाई, ये पॉइंट है, ठीक है। ये ओ लिखा हुआ है, आप इसे बोना समझ लें पॉइंट, ठीक है। अब इसे निकालने के लिए एक बात बताओ, अगर मैं यहां से एक लंब डाल दूं, सच बताओ ना ईमानदारी से, अगर मैं इसे लंब डालूंगा, मान लो कि ए बी बराबर, हमें दोनों जीवा पता है, ए बी बराबर में मान लेता हूं ये 24 है, और ये वाली में मान लेता हूं कितनी, 20 दी गई ना, देख लो गलत ना हो जाए, क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है 24 है। एक बात बताओ, आधी आधी हो जाएगी, 12 और ये 12 दोनों हो गए। सेम इसी प्रकार से, इसे हटाओ, सेम इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर लंब डालूँ तो 10 ये हो जाएगी, 10 नीचे वाली, मतलब ये पूरी नीचे वाली है, ऐसा नहीं है आप इसे मान लो 10, ये पूरी 10 है, या फिर हटाई दो, इनका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है भाई। दो टुकड़े कर देते हैं क्योंकि ये बराबर बराबर में इक्वली डिवाइड कर देती है, ठीक है ओके। ये पूरी थी 20, आधी होगी 10 यहाँ तक, ठीक है इस पॉइंट तक, ये पूरी थी 24, आधी होगी 12 ओके। अब भाई क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है, और क्या कर सकते हैं भाई, एक काम कर सकते हैं, अगर मैं ये दोनों निकाल लूं तो विकर्ण निकल आएगा, और विकर्ण वो तो बाद में पता चलेगा, ये दोनों अगर सेम आए तो स्क्वायर आ जाएगा, अगर दोनों अलग अलग आई तो फिर हमें रेक्टेंगल आयत लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे निकालने के लिए एक बात बताओ, यहां से इस ओ को तो हटा ही दो, इधर कर दो बेचारा, यहां से देखेंगे अगर मैं इसे मिला दूं, एक बात बताओ त्रिज्या तो हमें पता है ना, ये 15 है, हो गया काम। इसी तरह से यहां पर एक त्रिज्या डाल दो, त्रिज्या कितनी है भाई, ये भी 15 होगी, ठीक है। ये 4 का मल्टीपल है, 4 ती 12, ये 5 ती 15, इसी तरह ये हो जाएगी 3 त्रिका 9, ये तो मिल गया भाई 9। अब किसी भी तरह ये और निकाल लो भाई, ये कैसे निकाला, 3, 4, 5 का मल्टीपल, इसमें मैंने क्या ट्रिपलेट यूज़ किए, 3, 4 और 5, 5 का मल्टीपल 15, 4 का मल्टीपल 12, 3 का मल्टीपल मैंने अपनी तरफ से रख दिया, 9 हो गया। अब हमें ये निकालना है, किसी भी तरह निकाल लो भाई, तो हम क्या करेंगे, 15 के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे कितना, 10 का स्क्वायर, तो हम इसी निकालने के लिए, ठीक है, तो रूट के अंदर 15 का स्क्वायर 225, माइनस कर देंगे 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो कितना आ जाएगा रूट के अंदर 125, ये क्या है मेरा, रूट के अंदर 125 ये निकल के आया, ठीक है ओके। तो मतलब ये दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये आयत है, रेक्टेंगल है, और अगर रेक्टेंगल है तो ओ ई, ये वाला ओ ई की बात करूं, ओ ई बराबर हो जाएगा रूट के अंदर, दोनों भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़ दूं, तो इसका स्क्वायर कर लेते पहले, रूट 125 का स्क्वायर करेंगे तो 125 हो जाएगा प्लस, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट गया ना, तो 125 बचा, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 * 81 हो जाएगा, एंड इनको जोड़ लो जी, इनको ऐड करेंगे 5 और 1 = 6 हो जाएगा, 8, 9, 10 की 0 हो जाएगी, 1 में 1 जोड़ दो 2 हो जाएगा, और रूट का रूट लगा दो तो ओ ई बराबर आ रहा है रूट के अंदर 206, और यही हमारा आंसर होगा। अगर ऑप्शन में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऑप्शन काट दो भाई, क्योंकि हम सही हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। फटाफट से नोट कीजिएगा, बताओ इसमें क्या था, बच्चों वाला क्वेश्चन था ना, मुझे पता है आप लोगों का डाउट होगा, चलो कोई नहीं, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर, क्वेश्चन नंबर हिंदी में बोलते 85, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो जी, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर, ध्यान से देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो इसमें भी डायग्राम नहीं दिया, ये तो गलत बात है ना। दो प्रतिच्छेद वृत्त की
अभिनिष्ट जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। वाव। यदि वृत्तों का व्यास 15 और 13, यार व्यास दे रखा है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई। देखो एक मेरे पास क्या है, क्वेश्चन ने बोला है एक नहीं दो प्रतिच्छेद वृत्त है, एक वृत्त हो गया यहाँ से क्या लीकेज होगा, ये दूसरा वृत्त है भाई, छोटा बड़ा तो नहीं बन गया, बता देना, ये वाला बड़ा बन गया ना, ये भाई ये बच्चा सा लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दोनों बराबर के होने चाहिए ना, जब ही तो अच्छा लगेगा। चलो जैसा भी है, मान लो कि ये दोनों व्रत हैं, मान क्या लो व्रत है ना, सर्कल है, ठीक है, दो व्रत एक दूसरे को काट रहे हैं, बीच में दीर्घी है 12 सेंटीमीटर की, यहाँ पर इस टाइप से एक जीवा, ये कितनी है मेरी 12, दोनों के सेंटर पॉइंट मान लो यहाँ पर सेंटर है, ये इसका सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, घर है मतलब इनका, ठीक है। अब आगे देखो, यदि वृत्तों का व्यास हमें दे रखा है 15 और 13 सेंटीमीटर, वृत्तों का व्यास दे रखा है भाई, व्यास का मतलब पूरा दे रखा है, तो आधा कितना होगा, ये 15 क्यों हो जाएगा, आधा होगा ना 7.5, और कितना है भाई 13, 6, 2, 9, 12 मतलब 6.5, एंड ये कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा 12 है तो ये आधा आधा कर दीजिए 6 हो जाएगा, इसे आप आधा कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, वाह क्या क्वेश्चन है ये हमसे पूछा है, हम निकाल तो बहुत आसानी से लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री पर काटता है हमेशा, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी या फिर ट्रिपलेट फिट करनी होगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा एक हमने ट्रिपलेट पढ़ी है, लगाना चाहो 3, 4, 5 लगा दो, इधर 3, 4, 5 लग जाएगी एंड इधर लग जाएगी 5, 12, 13 लग जाएगी, लेकिन देखो थोड़ा सा ध्यान से कि ब्यास दिया है क्या क्वेश्चन में, ब्यास ही बोला है पक्का कन्फर्म, ध्यान से देख लो ब्यास दिया है यार, क्या कर सकते हैं, बोलो क्या कर सकते हैं। एक काम करो जी, हमने एक चीज़ पढ़ी, क्वेश्चन ने बोला ब्यास दे रखा है, ब्यास दिया जब ही तो हमने आधा किया, एक काम करो आप आधा मत करो, हमें नहीं पता, हम आधा कर ही नहीं रहे, नहीं कर रहे हम आधा, इसे भी आधा मत करो, इसे पूरा 12 मान लो, आधा नहीं कर रहे मतलब हम जो है इतने हिस्से को 12 मानना पड़ेगा, फिर हम आधा बाद में कर देंगे, जो आंसर आएगा उसका आधा कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, और कितना 15 और 12 है, तो ये हो गई मेरी 15, ये हो गई मेरी 13, 15, 13 ये मैंने मान ली 12, मतलब डबल कर रहे हैं तो इसका भी डबल करो ना, ये पूरी 12 थी, 12 की 24 हो गई डबल, 24 का आधा हो गया 12। अब आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ी होगी, कौन कौन सी भाई, एक तो 5, 12, 13 पढ़ी, तो 5, 12, 13 ये तो होगी मेरी 5, 12, 13 एंड ये हो जाएगी 9, 12, 15 दूसरी ट्रिपलेट क्या है, कैसे देखो 3, 4, 5 पढ़िए, 3, 4 और 5 देखो 5 का मल्टीपल 5 3 15, 4 3 12, 3 3 9 ये हो गई मेरी 9, हो गया ना काम, 9 और 5 कितना हो गया 9 और 5 अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 14, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हमने जो ब्यास दिया था उसे हम त्रिज्या लेकर चल रहे, तो इसका मतलब इसे आधा कर दो, आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा, समझ गए, और बाकी का आप अगर चाहो तो बुक के पीछे लिखा हुआ उसे फॉलो कर लो, नहीं तो फिर ऐसे फॉलो कर लो, समझ गए मैंने क्या किया, क्वेश्चन ने बोला कि ये ब्यास है, मैंने ब्यास नहीं ली, मैंने वो त्रिज्या ले ली, तो इसका मतलब आपको वो लास्ट में आधा करना होगा, आधा तो करना होगा भाई क्योंकि आंसर मैच करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 फटाफट से नोट कीजिएगा, समझ गए क्लियर। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर, 86 देखिएगा क्या बोल रहा है, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है, बस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो समझो और फिर करो, भाषा क्या बोल रही है क्वेश्चन की वो समझ लो, बस अपना गेम ओवर। चलो क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते, इसमें भी डायग्राम नहीं दिया यार, गलत बात है ना ये, हमें दे रखा है भाई 60 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, 60 सेंटीमीटर भाई बहुत बड़ा व्रत बनेगा इसके लिए, 60 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पर व्रत के केंद्र से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो व्रत की त्रिज्या क्या है, व्रत की त्रिज्या पूछिए, एक व्रत है मेरे पास, यहीं पर ध्यान रखना बाहर की साइड में मत जाना, ये सेंटर हो गया एंड हमें ये जीवा की लंबाई दे रखी है, जीवा की लंबाई दे रखी है पूरी 60 है, तो ये 30 हो जाएगी, ये भी 30 हो जाएगी,
कितनी दूरी है सेंटर से लेके जीवा की दूरी हमें गिवन है कितनी 16। और कुछ दे रखा है तो देख लो भाई, और कुछ दे रखा है क्या? वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछी है, तो आप लोगों ने क्या वृत्त की त्रिज्या पूछी है? त्रिज्या मतलब ये निकालनी है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो या फिर 8, 15, 17 लगा दो। अब ये तो भाई आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप याद करते हो या नहीं करते हो। तो 8 का होता है 8 × 2 = 16, 15 × 2 = 30, 17 × 2 = 34, तो मतलब यहाँ पे 34 होगी त्रिज्या। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे ओ बना दो, ओ फोर उल्लू आउल होता है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते, 87 ध्यान से देखिएगा, समझ गए क्लियर? चलो बहुत ज़्यादा बाहर से आवाज़ आ रही है, इग्नोर करो उसे। चलो क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहे हैं देखिएगा, 87 आपकी स्क्रीन पर है। वाओ यहां पर तो हमारे पास क्या है डायग्राम बना हुआ है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। एक डायग्राम में एक बड़ा सा वृत्त है एंड इसका एक छोटा सा बेबी है जो कि छोटा सा है इस टाइप से, ठीक है। एंड और कुछ बोल रहे हैं, अच्छा ये वृत्त के केंद्र से है, तो वृत्त का केंद्र कहाँ पर है भाई? ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो इस बेबी को थोड़ा सा लंबा बनाओ भाई, क्योंकि ये इस टाइप से होना चाहिए ना, लगना चाहिए इसी का बेबी है। चलो ये हो गया भाई, आगे देखो जी। क्वेश्चन ने बोला है ये स्ट्रेट लाइन है एक, ठीक है, ओके स्ट्रेट लाइन। ये ओ पॉइंट है सेंटर है, ये क्यू पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है एंड यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो इस टाइप से, ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर छोटा वाला वृत्त सेंटर से होकर गुजरता है तो इसका मतलब ये है क्या कि इस बड़े वाले की जो त्रिज्या है इसका क्या होगा व्यास होगा, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है, अगर मैं इसका भी आधा कर दूं त्रिज्या का आधा, तो क्या हो जाएगा ये छोटे वाले की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। मतलब अगर मैं इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का आधा कर दूं, रेडियस का हाफ कर दूं, ठीक है, जैसे रेडियस ही है, इसका आधा करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा, मतलब इसका आधा करूंगा तो ये छोटे वाले वृत्त की, छोटे वाले सर्कल की रेडियस निकल के आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये वाली भुजा बराबर होगी इसके, ये वाले टुकड़ा इसके बराबर होगा, या फिर एक और बना लो आप, डायग्राम में नहीं बनाया, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, समझ रहे हो बात को, ठीक है। कब? जब ये सेंटर पॉइंट होगा तब, एक और बना लो, ये बराबर होगा इसके, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो तो देख लो भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पी एस की लंबाई कितनी होगी? हमें दे रखा है पी आर बराबर 34, पी आर मतलब ये दे रखी है हमें 34 और पी एस ही पूछा है ना, तो पी एस वाह भाई वाह, पूरा है कंप्लीट 34, तो आधा कितना हो जाएगा 17 और 17, मैं वही तो बता रहा हूं कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाती है, कब? जब ये सेंटर से पास होगा तब, समझ के नोट कीजिएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा पी एस बराबर कितना हो जाएगा 17। उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका होगा एंड ये पॉइंट माइंड में सेव कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते, ठीक है, 88 क्या बोल रहे हैं? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई अच्छा सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, थोड़ा सा टफ हो। चलो देखते हैं, शायद हो सकता है मेरी कोई सुन ले। तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से, दी गई आकृति, वाओ इसमें भी आकृति दे दी, तो सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। ये मैंने बना ली आकृति, नहीं ये तो व्रत है भाई, आकृति तो अभी बनेगी, अब देख लें पहले क्वेश्चन पढ़ लें या फिर बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेके एडी इस टाइप से थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या नाम है इसका, ए एंड डी, ठीक है, एडी हमें दे रखा है एंड इस टाइप से एक छतरी सी बनी हुई है इस टाइप से लेके, मान लो कहीं पर भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस टाइप से एक ए पॉइंट पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, बाहर कहाँ जा रहा है बेटा, अंदर आ जा, लॉकडाउन चल रहा है ना अभी, इसलिए अंदर ही रहने दो। यहाँ से एक 90 डिग्री पर काट रहा है,
ठीक है, इसका नाम है बी सी, ठीक है, एंड इसका नाम है ई। ये हो गया भाई, क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला है दी गई आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है। बिल्कुल, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, हाँ जी। ए बी बराबर 10, ए बी बराबर 10 है, हाँ जी। ए सी बराबर 6, ए सी बराबर 6, वेरी गुड। आगे देखो, यदि ए डी बाह्य वृत्त का व्यास है, ए डी जो है, ए डी कहाँ है, ये व्यास है, ठीक है भाई, व्यास है, सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस तक, एंड सेंटर से होकर गुजर रहा होगा, यहाँ कहीं पर भी जो कुछ भी है, ठीक है। आगे बोल रहे ए ई बराबर 4 और बोला ए ई, ये 4 है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगी, ये मेरी एक त्रिभुज की हाइट हो जाएगी, ये क्या है मेरी, एच बराबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, त्रिज्या हमसे पूछे, मतलब कहने का ये है एक ट्रायंगल बना हुआ और उस ट्रायंगल के बाहर एक मेरे पास सर्कल है और हमसे पूछ ली गई कि इसकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, लेकिन ये मेरा समबाहु त्रिभुज नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन इक्विलेटरल नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, तो इस केस में हमें अगर बाहर के वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो उस केस में ए बी सी मतलब तीनों भुजा का गुणनफल एंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया, एरिया को हम डेल्टा से भी डिनोट कर देते हैं, मैंने लिख दिया एरिया, समझ गए। तो ए बी सी मतलब ए पता है, बी पता है, सी नहीं पता है, ठीक है। 4 क्या है ये, 4 तो कंपनी की तरफ से, ठीक है, इंटू एरिया, एरिया क्या होता है भाई, समकोण पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे, बेस, वाओ ये बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ। वो क्या, देखो यहाँ पे हमने बोला ए बी सी कैपिटल आर रेडियस निकालनी है हमें, तो ए बी सी मतलब 10 इंटू 6 इंटू, एंड इसे ले लेते बी सी का बी सी रख दो भाई, हम नहीं चेंज कर रहे, बी सी का बी सी रख दिया, नीचे देखेंगे तो 4 कंपनी की तरफ से, एरिया क्या होता है भाई त्रिभुज का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ तो फॉर्मूले में ही होता है, इंटू बेस, बेस कितना है मेरा बी सी, बेस तो बी सी है ना भाई, यही तो है, तो बी सी इंटू हाइट कितनी है मेरे पास 4। अब एक बात बताओ, बी सी से बी सी हटा दूं, 2 × 4 कर दूं, 2 × 2 = 10 कर दूं, 2 × 4 कर दूं, एंड 2 × 3 = 6 कर दूं, तो आर इज इक्वल टू 15/2 कर दूं, एंड 15/2 मतलब 7.5 कर दूं, 7.5 हो जाएगा कि नहीं होगा, एंड ये मैंने मेंसुरेशन में भी कराया है, शायद हो सकता है ज्योमेट्री के बेसिक वीडियो में भी कराया हो, ठीक है, तो फटाफट से नोट कीजिएगा, एंड मेंसुरेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो 7.5 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कर लीजिए। तो बताओ इसमें क्या था, कुछ था नहीं, था ना, था ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से समझोगे, बताओ, बस एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो, और दिमाग में जो भी रूल्स है ना सारे अप्लाई कर दो, कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ क्लिक हो ही जाएगा, और जब क्लिक हो जाएगा तो लगा दो आंसर तो मिल ही जाएगा, समझ गए कि नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, 89 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, दी गई आकृति, इसमें भी आकृति दे दी, बहुत अच्छा कर दिया इसने, जैसे आकृति दे दी ना तो दिल बाग बाग हो जाता है। ए बी एंड यहां पर ये सी, क्योंकि जो काम हमें करना चाहिए वो क्वेश्चन खुद कर दे तो बहुत अच्छी बात है ना, गुस्सी की बात है। दी गई आकृति में दिए गए वृत्त की चाप बी सी की लंबाई दे रखी है हमें कितनी, 44 BC की लंबाई, ठीक है, आर्क दे रखी है हमें। यदि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र हमें भी पता है भाई, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वाह बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक बात बताओ, वृत्त का सर्कमफेरेंस परिधि क्या होती है, तो आप बोलोगे 2πr, मैंने तीनों अलग अलग कर दिए, क्या होती है 2πr होती है। एक बात बताओ, ये 1/4 भाग है तो क्या मैं इसे 1/4 लिख दूं, हाँ ठीक है, इसकी परिधि ओनली बी सी की परिधि कितनी होगी, 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी किसकी, 2πr की, 2π की वैल्यू 22/7, आर तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू, ये बराबर होगा 44, याद रखना मैंने इसमें ये वाली और ये आर नहीं जोड़ी है, और जोड़नी भी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ ये चाहिए, ठीक है, बाहर बाहर वाली मैंने क्या कर दी, उसके 1/4 कर दी, सीधी सी बात है, मेंसुरेशन में समझ जाओगे, ठीक है। आगे देखेंगे, 22 × 44 से 44 गया, 7 × 4 = 28, आर बराबर यहाँ से आ जाएगा 28, बताओ, बिल्कुल एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास का।
नोट कीजिएगा 28 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो दिए नहीं होंगे आपको, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, ठीक है 28। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, ठीक है क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा क्या बोल रहे हैं और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है वो भी सीखते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 ने हमसे बोला है दी गई आकृति, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, दी गई आकृति में आकृति बना लेते हैं पहले, ठीक है जो भी है। एक मेरे पास बड़ा सा वृत्त है, इतना बड़ा, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बराबर का हो गया, एंड यहाँ पे एक और इसका छोटा सा वृत्त है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में, यदि NM, चाहो तो इसे सीधा बना लो, चाहो तो टेढ़ा ही रहने दो, अगर मैं सीधा कर दूंगा फिर आप में से बोलेंगे सर आपने तो सीधा बना दिया, तो ऐसा नहीं, मैं जैसा है वैसे ही बना देता हूँ, ठीक है NM, ओके। नीचे देखेंगे तो इसके अंदर से होके जा रही है, ये जगह छूट रही है याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए बी सी डी ई एफ ही कर देते इसे, NM कर दिया, MN कर दिया, कोई बात नहीं, हम देख लेते क्वेश्चन। दी गई आकृति में AB बराबर 30 सेंटीमीटर, AB बराबर 30 मतलब ये पूरी है मेरे पास 30, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड CD बराबर 24, CD हमें दे रखा है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 24 है, ठीक है, ये वाला मैं साइड से ही लिख देता हूँ, ठीक है वहाँ पर नहीं लिख रहा, ये 24 है पूरा 30, ये 24, ये बाकी का बचा कितना, बाकी क्या 6, 3 बांट लो, ठीक है। आगे देखो तो हमसे पूछा गया एम एन का मान, वाह हमें पहुंचना है यहाँ पे एम एन पे, ये मान लो कि ये वृत्त का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। एक बात बताओ, थोड़ा सा नीचे करो इसे, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, इसका नाम दे देते ओ, ये तो दे दिया नहीं है ना क्वेश्चन ने, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लम डाल दूँ तो ये क्या करता है भाई, यहाँ पर टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा इसके, ओ पी कर दो, ठीक है, या पी ओ कर दो या ओ पी, तो एक बात बताओ ये दोनों बराबर होंगे। अब मुझे अगर ये मिल जाए तो क्या मैं इसका डबल करके एम एन निकाल सकता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एम एन ही तो पूछ रहा है ना, ठीक है। अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए और यहाँ से इसकी बाहर वाली वृत्त की त्रिज्या पता होना चाहिए। मान लो बाहर वाली वृत्त की त्रिज्या है आर, स्मॉल वाले छोटे वाले की स्मॉल आर मान लेते हैं त्रिज्या, ठीक है। अगर मुझे पी एम निकालना है, पी एम मोदी नहीं, ये पी एम, ठीक है, ये पी एम निकालना है, तो पी एम बराबर हो जाएगा रूट के अंदर क्या भाई, आर स्क्वायर, कितना इसका स्क्वायर में से हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर देंगे, मतलब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो इसकी वैल्यू चाहिए, कितनी रूट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस कर देंगे अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या के स्क्वायर में से, करने को मैं ऐसे ही कर दूँ, ठीक है, लेकिन समझो पहले ये मुझे निकालना है जी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से मैं एक अगर लम डालूँ, दो कंडीशन बनेंगे यहाँ पे कि एक ये हो गया मेरे पास 90 डिग्री पर काटेगा, ये 24 है सी डी, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 12, याद है कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 24 दिया हुआ सी डी, सी डी 24 तो ये 12 हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक डाल दूँ तो ओ डी कितना होगा भाई, अंदर वाली त्रिज्या है तो ये आर हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है मेरा, इसका नाम दे दो, यहाँ पर ओ पी लिया, ओ एम ले लो, एम तो है मेरे पास, ओ क्यू, क्यू है नहीं है, ओ क्यू ले लेते हैं, ठीक है। ओ क्यू बराबर, अगर मैं देखूँ ओ क्यू, यहाँ से देखो ये कॉमन आना चाहिए दोनों में, अगर मैं यहाँ से एक बाहर वाले वृत्त की तरफ डालूँ ना, दो इक्वेशन बनेंगी, ये कैपिटल आर होगी, कैपिटल आर होगी, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर आप देखोगे तो ये पूरी 30 थी, जब ये पूरी 30 थी तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी 15। एक बार तो हम ले लेते हैं ओ क्यू, ध्यान से समझना, ओ क्यू बराबर क्या, हाइपोटेन्यूस क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर रूट के अंदर होगा ना, आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, कितना आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, बड़ी वाली लिए ना तो बड़ी वाली मतलब 15 लेनी है, तो 15 का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में देख लो, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में देखोगे तो स्मॉल आर है, ये वहां क्यों भाग रही है भाई, इधर को आ जा, ये ओ क्यू बराबर देखेंगे, ओ क्यू बराबर
रूट के अंदर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे ये कितनी है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हम लिख देंगे, 12 की पावर 4 क्यों बन रही भाई, 12 स्क्वायर। एक बात बताओ, जब ये कॉमन है ये हटा दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हटा दो, ठीक है, अब दोनों को बराबर रख लो भाई, ओ क्यू को माने दोनों बराबर हो जाएंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे रूट हट जाएंगे, तो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस, इस आर को इधर लेके आएंगे, माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस कितना 12 का स्क्वायर, इतना ही तो हो जाएगा और कुछ तो नहीं हो रहा, ठीक है भाई। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू मिल गई, इधर अब कुछ मत करना, ठीक है, टच नहीं करना, इधर कर लो कि 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होगा 225 माइनस कर देंगे 144, 12 का स्क्वायर कितना 144, ये तो पता ही होगा ना कम से कम, तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इसे माइनस करना पड़ेगा, 5 में से 4 गई तो 1 बचे, 22 में से 14 गई तो 8 बचे, यहां पे देखेंगे तो 81 निकल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, पीएम में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो पीएम बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 81, और 81 अगर है तो बाहर निकल के बन जाएगा ये 9, जब बाहर 9 है तो हम बोल सकते हैं कि पीएम बराबर है 9, और ये बराबर होता है इसके तो ये भी 9, 9 और 9 दोनों ऐड कर लेंगे, जब 9 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, हम बोल सकते हैं कि एनएम या फिर एमएन बराबर हो जाएगा 18 के, तो ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों वाला, थोड़ा सा इसमें लॉजिक की जरूरत थी और कुछ नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, हम मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।